अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं और क्या चल रहा है? रमज़ान की आमद आमद है यार, यहाँ पर भी जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं, चीज़ें बनाई जा रही हैं। मैंने जो है कबाब बना लिए हैं, मैंने समोसे बना लिए हैं, स्प्रिंग रोल आज सोच रही हूँ वो बनाऊँगी। और सब छोड़ें, आप ये देखें सामने का मंजर देखें यार, सामने यहाँ पर जो है वो आपको दिख रहा होगा कि जो मतलब वो लोग हैं, झुग्गियाँ वगैरह जो होती हैं वो हैं। ये देखें सामने, इस तरफ भी आपको नज़र आ रही होगी, इस तरफ भी नज़र आ रही होगी। तो ये भी एक ज़िंदगी है। दोपहर में मस्तार है खाना वाना खा के। तो यार तुमने क्या किया, फिर डब्बे से निकाल दी? रखो सारे डब्बे में रखो। और ये देखो तुम ये क्या ले आए, ये देखें तुम्हारा नहीं है ये। और फुटबॉल कहाँ रखी? नीचे रखो। चलो ये रखो अंदर डब्बे में। ये अंदर इन साहब को बातें बड़ी आ गई हैं, बहुत बातें आती हैं बहुत जी। तो मैंने जो है वो रमज़ान की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी। रमज़ान की तैयारी क्या स्टार्ट करती है, तो रमज़ान एक या दो दिन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले आलू के समोसे तैयार किए हैं। और ये देखें, शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, मुझे ये सबसे इजी और सिंपलेस्ट शेप लगता है। इसके अंदर आपने बस वो भुरता रखा और जल्दी 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 इसको जो है रैप कर दिया और ट्रायंगल फॉर्म बन गई। बहुत से तरीके आते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो वाला अप्लाई करें और अपने समोसे तैयार कर लें। और साथ में देखें, मैंने जो है भुरता भी बहुत ईजी है। आलू को बॉयल करें, मैश करें, नमक, मिर्च, चाट मसाला, ज़ीरा ये डाल कर आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और ये देखें, अच्छा अच्छा मुझे सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना, इन पट्टियों को अलग करने का लगता है। और इसमें ये डर लग रहता है ये कहीं जो है ये फट ना जाए, टूट ना जाए, इस तरह का जो रहता है ना बड़ा डर लगता है। मैं चाहती हूँ बस सारी पट्टियाँ सही सलामत रहें और आप जल्दी जल्दी जो है वो उन सब को यूटिलाइज़ करें उस समोसे, वरना फिर आकर के जो बच जाती है ना टूटी फूटी, उनको जो है फ्राई करके और ये वो यूज़ करना थोड़ा सा वो जाता है मुश्किल। अब ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी जो है वो रैप कर लिए हैं। और मैं चाह रही थी कि मैं अपना काम जल्दी टाइमली जो है वो निपटा दूँ। ये देखें, आप भी अच्छे तरीके से जिस तरह से भी आपको इजी लगे बस जल्दी करके आपने जो है इन सामान को, फ्रोज़न आइटम को तैयार करके रखना है। ये देखें, मैं एक तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा इसको रब करें तो भी आपकी जो है वो निकल आती है, या अगर आपने फ़ौरन ही फ्रीज़र से निकाला है तो थोड़ी देर इसको जो है वो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के आप इसको बाहर रख दें या फ्रिज में रख दें, तो फिर जो है आपकी ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं तो भी निकल आती हैं। फिर भी मुझे तो पता नहीं क्यों डर रहता है कि यार ये ब्रेक ना हो जाए थोड़ी सी ना बीच में से। ये देखें, तो बस यहाँ पर जो है मेरे ये समोसे रेडी हो रहे थे। और जो है अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे इससे तैयार कर लिए। ये देखें यार, मैंने बहुत सारे जो है इससे बना लिए हैं, पूरा साल चल जाएंगे। नहीं, इतने भी नहीं मैंने कि पूरा साल चल रहा है, हाँ कुछ रमज़ान तो चल ही जाएगा। और इस तरह से मैंने जो है वो बॉक्सेस के अंदर में रख दिए हैं। इस दफ़ा मैंने किया यार इनको बॉक्सेस में रखूँगी, वरना आप जो सील हो जाते हैं ना उस तरह के बैग्स आते हैं उन बैग्स में भी रख सकते हैं और इन्हें जो है आप फ्रीजर में रख दें। अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ रोल। रोल के लिए मैंने पनकोबी ली है और उसके साथ मैंने शिमला मिर्च, ये जो चॉपर है ना इसकी जो प्लेट होती है बेहतरीन होती है। अगर आपको कुछ भी सब्जियाँ चॉप करनी हो ना, ये बस इसके अंदर डालें और ये देखें बेहतरीन किस्म की ना, जो ये आपको 5 मिनट नहीं लगता और ये आपकी जो है इस तरह की सब्ज़ियाँ चॉप हो जाती हैं। अच्छा, अब जो है मेरे पास गाजर नहीं थे तो मैंने इन्हीं से काम चलाया। ये मेरे पास जो है बड़े साइज़ की जो है वो फुल साइज़ मतलब जो रोल की पट्टी थी वो थी, मैं इसे पूरा यूज़ नहीं करूँगी, इन्हें मैं बीच में से आधा करूँगी, क्योंकि मुझे इतने बड़े बड़े फुल साइज़ के रोल नहीं बनाने, वो बच्चे ज़ाया भी करते हैं और दूसरा ये कि खाने की और भी चीज़ें होती हैं तो आप इतना नहीं खा पाते हैं, तो मैंने छोटे साइज़ के जो है रोल बनाए हैं, बहुत छोटे भी नहीं बने, अच्छे नॉर्मल साइज़ थे। अब मैंने इसको जो है पट्टियों को मैं इस तरह से रैप कर रही हूँ। मुख्तलिफ इसके भी डिफरेंट तरीके आते हैं रैप करने के, मैंने जो है ये तरीका यूज़ किया। ये देखें, अभी मैं आपको एक एंगल से दिखाऊंगी, फिर मैं दूसरे एंगल से भी दिखाऊंगी ये किस तरह रैप हो रहा है। ये देखें, सिंपल सा इससे ये होगा कि अच्छी तरह से ये जो है आपका बैटर अंदर सील हो जाएगा और साइडों से नहीं निकलेगा। ठीक है, सिंपल सा बहुत आसान सा तरीका है। ये देखें, अब मैं आपको एक और तरीके से दिखाऊँ, सामने से दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने रखा, इस तरह से आपने जो है वो इसमें जो आपने बनाया है
इसको सील करने के लिए वो आप इस तरह से लगा दें, रैप कर दें। ये मैंने जो है वो आटे और पानी डालकर बस इसका जो है वो स्लरी सी बना दी है। आप मैदे से भी बना सकते हैं, आप अंडे से भी इसको सील कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये इसका भी यही मसला होता है, और मेरे में समझ नहीं आता ये क्यों आसानी से निकल पाती, मुझे बड़ा डर लगता है ना। ये देखें अब बस निकल गई ये। अच्छा मुझे नीचे से भी थोड़ी बड़ी लग रही थी तो मैंने नीचे से भी जो ना इसके थोड़े थोड़े काट लिए थे, सही है। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पट्टी बहुत मोटा मोटा जो है ना ये आपका रोल ना लगे, इसके जो साइड वो हो रैपिंग हो थोड़ी हल्की हो। एक होता है ना बस आपको पट्टी मुँह में आ रही होती है जिसका वो बड़ा अजीब सा लगता है यार, बड़ा मोटा मोटा सा लगता है। ये देखिए सिंपल सा तरीका, आपके जो रोल्स हैं ये तैयार। ये भी मैंने बहुत सारे रोल बनाए। अब मैं क्या हुआ कि मेरे पास जो बैटर था ना वो काफ़ी वो बच गया था और मेरे रोल की पट्टियाँ इतनी नहीं थी, तो मैंने क्या किया उससे जो मैंने काटी थी ना तो मैंने समोसे भी बना लिए, जो वन बाइट समोसे कहलाते हैं ना वो। तो और मेरे पास कुछ समोसे की पट्टियाँ थी वो मैंने बना ली, तो मैंने जो इसको फ्रीज़र में रख दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे घर का हाल, ये शाम हो गई और मैंने पढ़ाने के लिए बिठाया है, हसन हमजा साहब अपने काम में लगे, यहाँ पे इनकी जो है वो मिठाई टाइम चल रहा है, मुकेश साहब जो है वो जी। हमजा आप क्या फरमा रहे हैं, आप सोए क्यों नहीं अभी तक? ये तो पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, ये नहीं भाई इसके साथ कोई मसला है आपके साथ कोई मसला है? ये बस जो है तफरियां कर रहे हैं, और हमारे घर में भी जो है ना सिर्फ एक बंदा सोया हुआ है, मम्मी जाग रही है। और आज हमारे घर में जो है वो तहस नहस हो गया सब कुछ, आज मारी गई है छुपकली, एक अदर छुपकली मारी गई है, और उसको भूल के जो है ना बस मारना था ये ये रखे क्या होना है। अच्छा मैं भी आपको सुनाती हूँ, पैर में सो चुके हैं ये इसलिए सोएंगे नहीं, और वहाँ पर जो है मम्मी साहब लगे पड़े, यहाँ मम्मी लगी पड़ी है। तो बस आज जो है मैंने थोड़ा सा जो है वो रमज़ान की प्रिपरेशन की, और मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई, मैंने दो चीज़ें भी बना ली हैं और मैं अभी और भी चीज़ें बनाऊँगी जिसमें मुझे एक बनाना है, दो तीन चीज़ जो जो चीज़ बनाऊँगी ना वो मैं उसकी वीडियो डालूँगी तो फिर मैं पता चलेगा। तो अभी जो है मैंने जो बनाया है वो रोल और समोसे, और बस तो आज मैंने ये प्रिपरेशन की है रमज़ान की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कल है वो मैं आपको कल दिखाऊँगी मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो बस इसी तरह मेरे जो है चैनल के साथ रहिएगा और वीडियोज़ देखते रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।